भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जिलों में से एक है, जो तीर्थयात्रियों, पार्कों, मनोरंजन केंद्रों, शॉपिंग सेंटर, पिकनिक स्पॉट्स, घाट आदि जैसे सुविधाओं के लिए जाना जाता है। कई पर्यटक और विभिन्न धर्मों के अनुयायी हर साल सिद्धार्थ नगर आते हैं। समाजवादी पार्टी अपने किसान नौजवान पटेल यात्रा के दूसरे चरण के तहत सिद्धार्थ नगर पहुंची, जहां इस यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनंदन किया। महिलाओं ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। सपा की इस यात्रा में नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम जनता का ऐसा जन सैलाब उमड़ा, जो ये बताने के लिए काफी था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने धन और बाहुबल का इस्तेमाल करके सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जमीनी मुद्दों को उठाकर, आंदोलन चलाकर और जनता का समर्थन पाकर सत्ता में आकर उसी जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में सिद्धार्थ नगर में जितनी भी जनसभाएं हुई, उनमें जबरदस्त भीड़ देखी गई। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री हासिल करने वाले अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश की जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उन्हें ये पता है कि सिर्फ अखिलेश यादव ही उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। जनता को ये उम्मीद है कि ये युवा उन्हें एक बार फिर स्वच्छ और पारदर्शी शासन देगा। चलिए अब आपको सिद्धार्थ नगर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के तहत नरेश उत्तम पटेल के वो बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में एक अनोखा जोश भरने का काम किया है। भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आपने किसान नौजवान पटेल यात्रा का जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस चिलचिलाती धूप में और सिद्धार्थ नगर के बाढ़ ग्रस्त इलाके में आपने डुमरियागंज से लेकर यहाँ तक जिस उत्साह के साथ किसान भाइयों को, नौजवान भाइयों को, माताओं बहनों को इकट्ठा करके इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का स्वागत किया है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की सामाजिक समरसता को बर्बाद कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भाईचारे को कमजोर कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ लगातार काम कर रही है। किसान, मजदूर, नौजवान बेहद परेशान है। कृषि में नए नए कानून बनाकर कृषि को बर्बाद करने का काम करने जा रही है और आज मजदूरों के कानूनों में जो संशोधन किया है, वो संशोधन भी हमारे मजदूरों के हकों में हस्तक्षेप है। ऐसे समय में डुमरियागंज के भाइयों, कमाल साहब के द्वारा आयोजित किए गए इस यात्रा में आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपसे यही प्रार्थना हम लोग करने आए हैं कि आगामी 2022 के चुनाव में आप लोग पूरी ताकत के साथ साइकिल का बटन दबाना। 200 आदमी के पास 73% है, 200 आदमियों के पास 73% पूंजी है और 132 करोड़ आबादी के पास कुल 27% पूंजी है। इतनी आर्थिक विषमता भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी, इतनी आर्थिक विषमता कांग्रेस से ज्यादा बढ़ा दिया। भारत में किसानों का सम्मान के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार का प्रबंध के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी आपके लिए सदैव संघर्ष करती रहेगी और 2022 में सब लोग मिलकर हम पूरी की पूरी 500 सीटें सिद्धार्थ नगर की जीत कर जाए, यही आशीर्वाद चाहता है। यही आशीर्वाद आपका चाहता, बोलो हाथ उठाकर कि हम 500 सीटें, 500 सीटें हम जिताकर भेजेंगे। जोरदार ताली से माननीय अखिलेश यादव जी को विश्वास दिलाइए, कमल राणा जी को और उनके सभी साथियों को जिन लोगों ने सभा
का आयोजन किया, उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। मेरे बहुत कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सबसे इजाजत चाहते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको इस चीजा की भूख पे बाढ़ग्रस्त वासी के इलाके में बहुत खुशी हुई। समस्याओं से ग्रस्त है, परेशानियों के अंबार है, बावजूद इसके आप इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा का स्वागत करने आए। साथियों, इस बाढ़ग्रस्त इलाके में सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। उन्हें जानकारी मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ कोई न जनहानि हुई है न कोई धनहानि हुई है, लेकिन जानकारी जिस तरीके के मीडिया के भाई लोग देते हैं बांसी सिद्धार्थनगर जिले में जिस तरीके के बाढ़ का कहर है, उस बाढ़ के कहर में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हमें जानवरों के लिए कोई जगह नहीं, उनके चारे का इंतजाम नहीं, हमारे गरीब महिलाओं, हमारे गरीब भाई किसान मजदूरों के लिए, उनके जीवन के लिए कोई सुरक्षा नहीं, उनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं, उनके इलाज के लिए दवा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय के भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद से हमारी माताएं बहने आई हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और विभाष शुक्ला जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ी तादाद का यहाँ पर लोगों से इकट्ठा किया और इतने लोगों से इकट्ठा कर यह संदेश दिया कि हमारा काशी क्षेत्र, हमारा सिद्धार्थनगर का किला समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव इस देश के ऐसे नेता है जिनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जो काम अखिलेश यादव ने 5 वर्ष में करके दिखाया, कांग्रेस ने 50 वर्ष में काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने 14 वर्ष में कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमारे इस सिद्धार्थनगर का विशेष ध्यान दिया है। ऐसे समय में मैं आपका आशीर्वाद की कामना करते हुए आपसे शुभकामनाएं चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ कि आगामी 2022 में साइकिल का बटन दबाओ और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। इन सबके साथ आप सबकी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि जोरदार ताली बजाकर आप माननीय जनता पार्टी ने 14 साल हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली और उत्तर प्रदेश के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और परेशानी बढ़ा दी। किसानों की फसल की लूट हो रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, श्रमिकों के खून को चूसा जा रहा है और कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में आज हमारे किसान मजदूर भाई, हमारी माताएं बहने इलाज के अभाव में और कोरोना बीमारी में दम तोड़ के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती चली जा रही है कि हम ने सबको दवा दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज सिद्धार्थनगर के भाइयों, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन दिया, न दवा दिया, न इलाज कराया। ऑक्सीजन अगर मिली तो 800 रुपए का सिलेंडर 30,000 का मिला और 6 रुपए घंटा ऑक्सीजन बिकी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने कोरोना की बीमारी में पैसे का लूट मचाई, वो इतिहास के पन्नों में गंदे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहते हुए सहयोग भी चाहता हूँ क्या आप आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को आप मजबूत करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सहयोग देंगे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाकर भारत के सत्ता मूलक समाज बनाएंगे। 2020-22 में अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये सिलसिला 2022 में ही 2024 में भी हम समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी नेता से ही दिल्ली में 2024 में लाल किले में झंडा फहराएंगे। ये हमारा संकल्प है, हम सभी को आज इस किसान पटेल नौजवान यात्रा में संकल्प लेना होगा कि 2022 में हम अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर माननीय अखिलेश यादव से ही
बैलेट पेपर मिलेगा। आप मतदाता सूची से कार्यकर्ता भाई और चेक कर सकते हो कौन 80 साल के है, कौन 80 साल के ऊपर है। अगर निर्वाचन आयोग ने नियम बना दिया है तो हम सबको 79 साल के वृद्धों के पास जाना होगा और उनका फार्म भरने में मदद करना होगा। तब हम 79 साल के बूढ़े माँ बाप का, अपने दादी दादा का वोट पाएंगे, नहीं तो बीजेपी के लोग बरगला ले जाएंगे। क्योंकि जब पोस्टल बैलेट पेपर होगा तो पोस्टल बैलेट पेपर को सरकारी कर्मचारी सिपाहियों के साथ होमगार्ड के साथ लेकर जाएगा और हमारे बूढ़े माँ बाप का वोट पोस्टल बैलेट में मोह लगवाकर अपने खाते में ले लेगा। ये सतर्कता हमको करना होगा। हमको गाँव गाँव हर पोलिंग पर मतदाता सूची से चेक करने के लिए 80 वर्ष के जितने वृद्ध हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए, उनके पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका फार्म भरने के लिए जाना होगा। और दूसरी बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने दिव्यांग हैं, जितने विकलांग जिनको कहते हैं, दिव्यांग लोगों के भी वोट पोस्टल बैलेट पेपर से पाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर से लगभग 1 विधानसभा में 15,000 वोट पड़ेगा। 15,000 वोट वृद्धों को और दिव्यांगों का होगा और ये वोट हमारा है क्योंकि वो हमारे है, हमारे साथ बने रहे। इसलिए आपको 80 वर्ष के ऊपर 80 साल के लोगों को दिव्यांग भाई बहनों के पास जाना होगा और उनको अपने पाले में तो है, उनका निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया भाग भरा करके उनको भी पोस्टल बैलेट पर पेपर में आप सहयोग करेंगे तो कोई माई का लाल इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे पूरा भरोसा है और आपसे विश्वास भी चाहता हूं कि आप जितनी तादाद है वो तादाद अगर लखनऊ सीतापुर बहराइच नसीमपुर हरदोई आस पास निकल जाएगी तो सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव की होगी। जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, जो जो आपके मन में है वो सब अखिलेश यादव जी करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आदरणीय रामगोविंद चौधरी जी का धन्यवाद देगा जो बलिया से चलकर यहाँ आए, हम सबको आशीर्वाद देंगे, हमको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और अपने साथ मेरे जितने भी इस यात्रा में लोग चल रहे हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना काम छोड़कर अपने अपने जिले से आए हैं और वो जिले में अपने काम को करते ही करते हैं लेकिन इस यात्रा में भी उनका सहयोग है। ये यात्रा मामूली यात्रा नहीं है मित्रों, इसको कोई बीजेपी तरजीह देने दे, लेकिन जब से मैं निकला हूँ जनता तरजीह दे रही है कि अखिलेश यादव के लोग हैं उनको हाथों हाथ ले रहे हैं और हम सभी साथियों का भी जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, चाहे वो बाहर के लोग हों या जिले के लोग हों या विधानसभा के लोग हों, उनका नाम लेते हुए समाहित करते हुए आप सभी भाइयों ने जिन्होंने मेरी बात सुना उनको भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। का दाम बढ़ा दिया, रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद की बोरी का वजन घटा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, दवा का दाम बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया और सिंचाई का दाम बढ़ा दिया। बीजेपी ने जिस तरह महंगाई बढ़ाई है उससे आम आदमी की कमर टूट गई है। भारत में आर्थिक विषमता को बीजेपी बढ़ा रही है। आर्थिक तरक्की के लिए समाजवादी मंत्र की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आप सब पर भरोसा भी करते हैं कि हमारे प्रदेश की महान जनता जो कमेरे लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खेती जानवर से कोटि कुटीर उद्योगों से जुड़े वो लोग सुखी हो और स्वस्थ हो। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2 साल से कोरोना के नाम पर कुछ तरीके से लूट हुई है, न कहीं दवाई न कहीं इलाज न कहीं किसी को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश के लाखों लोग मौत में मरने से भागे। लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आई, बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोरोना पर काबू कर लिया, कहा था 21 दिन में कोरोना काबू कर लेंगे, बड़े बड़े विज्ञापन मोदी जी करवाते थे कि 21 दिन के अंदर हिंदुस्तान से कोरोना भगा देंगे। आज हिंदुस्तान सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना बीमारी की दवाई नहीं है,
ये मान कर हम लोग करते हैं सदन में, तो बीजेपी इधर उधर की बात करके भर के आंकड़े पेश करती है। जब हम सदन के अंदर कहते हैं कि आप लाओ शपथ पत्र से, लेकिन बीजेपी उन बातों पर ध्यान नहीं देती। बीजेपी केवल धर्म जाति की नफरत पैदा करके आपके वोट को लूटनी है, इसीलिए इसकी हालत हमारी खराब हुई है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सारे लोग आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो, जो भी उम्मीदवार हो, उसको इतने वोटों से जिताना कि उत्तर प्रदेश में आपका एक रिकॉर्ड बन जाए। क्योंकि ये समाजवादियों की धरती है, यहाँ मुख्तार अली साहब, यहाँ हर गोविंद वर्मा जी, यहाँ ओम प्रकाश गुप्ता जी जैसे महान समाजवादी नेता हुए हैं सीतापुर में। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने महापुरुषों के उपकार से सबक लेते हुए हमें भी भारत की आत्मिक आजादी की जंग का झंडा जो अखिलेश यादव जी के हाथ में है उसको इतना ऊंचा करना है कि एक न एक दिन समाजवादी सरकार दिल्ली में हो और दिल्ली में लाल किले में झंडा फहरे। ये सपना हमको पालना है। जब हम लोग ये बात सदन के अंदर बोलते हैं तो बीजेपी के भ्रष्ट नेता जो गद्दा मुक्त नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिया वो बोलते हैं हमको मुंगेरी लाल का हम सपना देख रहे हैं। हमने मुंगेरी लाल पिछड़े दलितों का महापुरुष, हमारे देश के अंदर पिछड़े दलितों और संकट भाइयों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा वो जग जाहिर है। जग जाहिर है क्या धर्म जाति देखकर लोगों को काउंटर किए जाते हैं। धर्म जाति देखकर